हाउ टू रिमूव फीड URL। दोस्तों बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि फीड URLs को हम कैसे हटा सकते हैं। देखिए आपकी वेबसाइट पर बहुत से फीड URL होते हैं। वो फीड URL क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट की एक फीड जनरेट होती रहती है और WordPress जैसे CMS जो हैं वो काफ़ी सारी फीड्स जनरेट करते हैं। वो आपकी पेजेस और पोस्ट की फीड जनरेट कर देते हैं, कमेंट्स की फीड जनरेट कर देते हैं। तो फीड का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए जब सोशल मीडिया नहीं आया था तो उस टाइम पे क्या था कि लोगों को अगर आपकी वेबसाइट के बारे में अपडेटेड रहना है, मान लीजिए आप कोई पोस्ट पब्लिश करते जा रहे हैं तो अगर किसी को इस बात की जानकारी चाहिए कि आपने कौन सी पोस्ट को पब्लिश किया है और कौन सी आपकी लेटेस्ट पोस्ट है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, फीड रीडर्स को इंस्टॉल कर लेते थे। तो फीड रीडर्स में क्या होता है कि फीड रीडर्स में जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कोई नया कंटेंट डालेंगे तो वो मेरे फीड रीडर के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब सोशल मीडिया के आने के बाद, फेसबुक ट्विटर के आने के बाद, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने जो वेबसाइट के URLs को हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, तो जो लोगों ने वहाँ पे फॉलो किया है उनको वो नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाता है। तो फीड का वैसे फ़ायदा भी है, अगर मान लीजिए आपके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स नहीं हैं तो कुछ लोग फीड रीडर के थ्रू भी आपके कंटेंट को रीड कर सकते हैं। और SEO में भी ये कुछ हद तक शुरू में हेल्प करता है, मतलब इनिशियल स्टेज पर अगर आप हैं तो आपको फीड URLs को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, सोशल मीडिया पर आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और उन वही लोग आपका कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू कंज्यूम करते हैं, तो उस केस के अंदर आप फीड URLs को हटा सकते हैं। फीड URL की ये जो एरर है ये हमें गूगल सर्च कंसोल के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंसोल के अंदर हम इस एरर को कहाँ देख सकते हैं और फिर फीड URLs को परमानेंटली किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग के स्टेटस में जा रहा हूँ और नोट इंडेक्स वाले पेजेस को अगर मैं देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो फीड URL की एरर होगी वो आपको एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग के अंदर देखने को मिलेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है गूगल इन URLs को क्या कर देता है, फीड URLs को नो इंडेक्स के अंदर डाल देता है। हमने फीड URL को नो इंडेक्स नहीं करते हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पर कैटेगरीज, टैग और ये सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन फीड URL को जो नो इंडेक्स करने का ऑप्शन नहीं होता है, बट गूगल जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या कर देता है, नो इंडेक्स कैटेगरी में डाल देता है। तो फीड URL होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक URL है और इसको हम ओपन करके देखते हैं, इसके लास्ट में आपको फीड मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरह से ये एक फीड होती है जो यूज़र के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको किसी फीड रीडर की हेल्प से जाकर रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो जो है URL आपको वहाँ पर ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो फीड को रीड करने के लिए ही बने होते हैं फीड रीडर्स। बट जनरली इसको हमारे लिए, गूगल के लिए इनका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब गूगल इनको अपने सर्च के जो सर्प है, यानी कि सर्च जो गूगल का पेजेस हैं उन पे नहीं दिखा सकता है। तो हमारे लिए अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर होगा क्या, जो क्रोल बजट होगा, अब हमारे गूगल की क्रोलर्स का जो क्रोल बजट होगा वो इनको क्रोल करने पे भी वेस्ट होगा। हालांकि गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा बट एक बार इसको क्रोल जरूर करेगा क्योंकि हमने इसकी क्रोलिंग को बंद नहीं किया हुआ है। देखिए आप इसकी क्रोलिंग को बंद करके भी इन फीड URLs को हटा सकते हैं बट वो मेथड सही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, robot.txt में फीड को डिसअलाउ कर देते हैं, बट मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, फीड को डिसअलाउ एटलीस्ट मत कीजिए। क्रोलर को आप अपने पेजेस पर जाने दीजिए, बाद में उसे डिसाइड करने दीजिए कि किसको इंडेक्स करना है और किसको इंडेक्स नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम वो मेथड्स देखने वाले हैं जिनके थ्रू आप इस फीड को हटा सकते हैं। तो दो तरह के मेथड्स हैं, एक तो है प्लगइन का मेथड और दूसरा है कोड वाला मेथड। तो दोनों ही मेथड देखेंगे हम किस तरह से उनको अप्लाई करेंगे और इस फीड को यहाँ से हटा देंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है प्लगइन इंस्टॉलेशन का। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे डिसेबल एवरीथिंग। तो जब आप डिसेबल एवरीथिंग पे आ जाएंगे तो ये वो प्लगइन है, इसको आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आप इस प्लगइन की सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर फीड लिखा हुआ मिलेगा, जैसे RSS फीड है, तो इसको ऑप्शन को आपने चेक करना है और इसको सेव कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपने RSS फीड को जो है वो डिसेबल कर सकते हैं, तो आपकी फीड ही डिसेबल हो जाएगी, तो क्रोलिंग और इंडेक्स नो इंडेक्स का जो इशू आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका ये जो
ये है वो काफ़ी क्लीन हो जाएगा गूगल सर्च कंसोल। तो ये तो था सिंपल मेथड, लेकिन अगर आप दूसरा प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं और बिना प्लगइन के करना चाह रहे हैं, तो आपको एक कोड जो है वो आपकी थीम के फंक्शन डॉट पी एच पी फाइल के अंदर इंसर्ट करना होगा। तो ये वो कोड है जिसको आपने अपनी वेब थीम के फंक्शन डॉट पी एच पी के अंदर जो है वो डालना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे और वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर जाकर थीम फाइल एडिटर में आपको जाना है। यहाँ पर आपको फंक्शंस डॉट पी एच पी नाम की फाइल यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इस फाइल के अंदर आपको क्या है, बिल्कुल लास्ट में आने के बाद इस कोड को कॉपी करके जो है वो पेस्ट कर देना है। लेकिन कोड को पेस्ट करने से पहले एक काम आपको जरूर कर लेना है, आप इस फाइल का जो है बैकअप ले लें। बैकअप आप यहाँ से भी इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी होस्टिंग के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। होस्टिंगर के अंदर आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। फाइल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का जो पूरा जो आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए पब्लिक डॉट एच टी एम एल, पब्लिक अंडर स्कोर एच टी एम एल में आपको जाना है और डब्ल्यू पी कॉन्टेंट के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर थीम्स के अंदर आपको जाना है और आपको अपनी थीम देख लेनी है कि आप कौन सी थीम का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्लॉक्सी थीम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी थीम हो सकती है। मान लीजिए जनरेट प्रेस की बात कर लेता हूँ मैं, तो थीम को ओपन करेंगे और फंक्शन डॉट पी एच पी जो फाइल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपने कहीं से कुछ गलत कोड भी अपनी फाइल के अंदर डाल दिया है, अपने इस फंक्शन डॉट पी एच पी में डाल दिया है, तो आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो ख़राब हो सकती है। उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आप ये जो आपने फाइल डाउनलोड की थी इसको फिर से रीस्टोर कर दीजिएगा वापस अपने इसी फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद। मान लीजिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको आपको फाइल सेलेक्ट करनी है और उसको अपलोड कर देना है। इन केस अगर कुछ इशू आता है, यहाँ से भी आप फाइल को एडिट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जो थीम यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है और वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी फाइल है नहीं, ठीक है, जो हमारी फाइल जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इस कोड को पेस्ट कर दिया है। और मैं पहले इसका बैकअप ले लेता हूँ ताकि अगर कुछ इशू आता है तो वो हमारा हम इसको सोल्व कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वापस जाना है और हमारी जो है डब्ल्यू पी कॉन्टेंट पर जाएंगे। देन हम कहाँ पे जाएंगे, थीम्स पे जाएंगे और ब्लॉक्सी जो है हमारी थीम है, यहाँ पर आने के बाद हम फंक्शंस डॉट पी एच पी पर जाएंगे और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर जो हमने कोड डाला है इसको हम सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपको दोनों मेथड्स यूज़ नहीं करने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो दोनों मेथड्स यूज़ कर लिए, मुझे उस प्लगइन को जो है डिसेबल करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर आप दो मेथड्स कभी भी यूज़ नहीं करिए। फाइल एडिट कर रहे हैं तो प्लगइन मत यूज़ करिए, प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो फाइल एडिट मत करिए, दोनों में से एक ही काम आपको करना है, ठीक है। वैसे आपको ये फीड रिमूव करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे फीड रिमूव करनी ही है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि ये मेथड्स जो हैं, दोनों मेथड्स आपको तभी यूज़ करने हैं जब आप रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप योस्ट SEO या फिर ऑल इन वन SEO प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दोनों में से कोई मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योस्ट के अंदर भी और ऑल इन वन SEO प्लगइन के अंदर भी फीड को डिसेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जो हम योस्ट वाला जब हम सीरीज़ कवर करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको फीड को डिसेबल करना है। बट क्योंकि अभी हमने रैंक मैथ ही कवर किया है तो इसलिए मैं रैंक मैथ के ऊपर ही बता रहा हूँ कि अगर आपने रैंक मैथ अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल किया हुआ है तो इस तरह से आप फीड को जो है डिसेबल कर सकते हैं। हम गूगल सर्च कंसोल की पूरी सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, इसके सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।